दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कन्या महाविद्यालय जालंधर। लॉकडाउन के चलते कुटलहर के छोटे छोटे नाले भी साफ और निर्मल हो चुके हैं। पहले लोगों ने नदियों में कभी गंदे नाले गिराकर तो कभी फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को इसमें फेंककर इन्हें प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनका पानी इतना दूषित हो गया था कि इसे पीना तो दूर, लोग इसे हाथ में लेना भी पसंद नहीं करते थे। पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन नदियों को जैसे एक वरदान सा मिल गया है। देश की अधिकतर नदियां अब पहले से कहीं अधिक साफ और शुद्ध जल से लबरेज हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों के बंद होने से और टूरिस्ट के इनसे दूर रहने से इनमें प्रदूषण नहीं हो रहा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए थाना कलां से सुखदेव की रिपोर्ट। वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आई एम आरसु शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ बीए सेमेस्टर 2 फ्रॉम कन्या महाविद्यालय। विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें, ये नहीं कि क्या सोचें। और ये लाइन मेरे कॉलेज KMV के लिए एकदम सही साबित होती है, जहाँ पे हमारी टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली हैं, जो हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की सीख देती हैं, जिससे पढ़ाई बहुत ही इजी लगती है। KMV में क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे NSS, NCC, ECC, सोशल आउटरीच, स्टूडेंट काउंसिल जैसी और बहुत सारी एक्टिविटीज, जिससे लड़कियों का मनोबल बढ़ता है और उनमें टीम वर्क और लीडरशिप जैसी क्वालिटीज आ जाती हैं। जब तक शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। KMV चाहता है कि हर लड़की अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल बने और समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले। आई एम सो ग्लैड अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ KMV, प्राउड KMVite। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।